एबीपीएस न्यूज की टीम आगे बढ़ते हुए ब्लॉक भगतपुर स्थित ग्राम मलवाड़ा पहुंची। लगभग 2336 की आबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मात्र 12 किलोमीटर ही है। वर्तमान समय में इस गांव की प्रधान श्रीमती जैनब निशा हैं। प्रधान ने अपने कार्यकाल में गांव को विकास की पटरी पर लाया है। इस ग्राम पंचायत में कुल वोटर संख्या लगभग 1720 है, तो वहीं राशन कार्ड धारकों की संख्या भी 46 के आसपास दिखाई दी। बात अगर शिक्षा की करें तो इस गांव में लगभग 170 नन्हे मुन्ने प्राथमिक व जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते नजर आए। प्रधान ने बताया कि उन्होंने गांव में सीसी सड़कों का जाल बिछाया है, इसके साथ ही गांव को स्वच्छ बनाने के लिए ग्रामीणों को शौचालय भी वितरित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को आवास भी दिए गए हैं। इस गांव में प्रधान द्वारा लगवाए गए हैंडपंपों की संख्या 48 है, तो वहीं 80 बिजली के पोल भी प्रधान द्वारा लगवाए गए हैं। साथ ही 7 बिजली के ट्रांसफार्मर भी बिजली की आपूर्ति को पूरा करते हुए दिखाई दिए। प्रधान पति ने एबीपीएस टीम से बात करते हुए सरकार से मांग की है कि गांव में जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल, पशु चिकित्सालय, शमशान घाट, पंचायत घर, डाकखाना व पानी की टंकी बनवाई जाए, जिससे ग्रामवासियों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। ग्राम प्रधान मलवाड़ा मानपुर शाहिद हुसैन। मैंने जो है 2 साल में अपने गांव में जितना भी हो सका उससे ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराया है। करीब जो है 1500 मीटर टाइल्स बिछवा दी मैंने और करीब 300 मीटर नाला बनवाया है और सीसी रोड भी बिछवाई हैं और गांव में जो है कोटा डीलर जो है उसका अपने सामने तेल, राशन, चीनी सब अपने सामने बटवाता हूँ। चीनी तो खैर अब आ नहीं रही है, लेकिन राशन अपने सामने बटवाता हूँ। मिट्टी का तेल भी देखो मेरे सामने बट रहा है और गांव में जो है शौचालय भी बन रहे हैं, लेकिन जो है सबसे बड़ी समस्या आवासों की है। गांव में गरीब आदमी जाते हैं, आवास हमारे यहाँ नहीं आ पा रहे। बीपीएल लिस्ट में कुल 19 नाम हैं जो कि पूर्ण हो चुके हैं और जो गरीब हैं, पात्र हैं, उनके नाम लिस्ट में नहीं है, जिस कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। सरकार से मैं यही अपील करूंगा कि उन लोगों के नाम जल्द से जल्द जोड़े जाएं, ताकि उनका भी भविष्य में कभी उन्हें भी लाभ मिल सके। और हमारे यहाँ 2 बीघा ज़मीन पशु चिकित्सा केंद्र की पड़ी है और डाकखाने की भी पड़ी है, लेकिन ना ही आज तक पशु चिकित्सा केंद्र बना है ना डाकखाना बना है। हाँ, बढ़िया है काम, प्रधान जी बढ़िया कर रहे हैं काम, सही काम है। जैसे